नमस्कार, प्राचीन समयनी आ वात छे। एक व्यक्ति एना जीवननी समस्याओथी कंटाळी जाय छे। ते गम्मे तेटला प्रयत्नो करे छे पण समस्याओ तेने घेरी ज लेती होय छे। एक दिवस ए जिंदगीथी हारीने एकने मळवा जाय छे। ते संतने कहे छे के हुं मारी समस्याओथी तंग आवी गयो छुं, तमे मने कोई रस्तो बताओ। संत कहे छे के आपणे आ बाबते काले वात करीशुं, जो तने वांधो ना होय तो तू आजे रात्रे अहीं ज रोकाई जा। तारे मारू एक काम करवानुं छे, मारा वाड़ामां 100 ऊंट छे, तारे रात्रे एमनुं ध्यान राखवानुं छे। जो बधा ऊंट शांतिथी बेसी जाए तो तारे पण सूई जवानुं। पेलो व्यक्ति रात्रे जमीने वाड़ामां जाय छे, ते जुए छे के केटलाक ऊंट उभा छे तो केटलाक ऊंट बेसेला छे। ते राह जुए छे के उभेला बधा ज ऊंट बेसी जाय, पण बने छे उल्टू। केटलाक बेसेला ऊंट उभा थई जाय छे अने केटलाक उभेला ऊंट बेसी जाय छे। आ सिलसिलो सतत चालू रह्यो। ए राह जोतो रह्यो पण बधा ज ऊंट क्यारे बेसेला मळ्या ज नहीं। आम ज आखी रात पसार थई गई। बीजा दिवसे सवारे संत पासे जाय छे। संत एने जोईने कहे छे के तारी आँखो बतावी रही छे के तू आखी रात जाग्यो छे। पेलो व्यक्ति कहे छे के हाँ महात्मा, मने ऊँघवानो मौको ज ना मळ्यो। बधा ऊंट क्यारे एक साथे बेसेला मळ्या ज नहीं। हवे मने तो तमे समस्याओथी बचवानो कोई सारो रस्तो बताओ। संते कह्युं, जीवन छे तो समस्या होवानी ज। तमे कोई समस्याथी जेवा बार निकळशो एवी भी कोई समस्या आवी जशे। तमे ए हल करवानी नजीक हसो त्यारे तीजी समस्या आवी जशे। जिंदगी छे त्यां सुधी आ सिलसिलो चालू ज रहेशे। जीवता माणसोने ज समस्या होय छे, मर्दाने कोई समस्या होती नथी। समस्याथी बचवानो एकमात्र उपाय ए छे के समस्याओनो हिम्मतथी सामनो करो। नमस्कार मित्रों, आजे आपणे धोरण 11 कम्प्यूटरनी अंदर प्रकरण 4 स्तरनो परिचयनुं बीजुं प्रेक्टिकल शीखीए। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आजना आ वीडियो लेक्चरमां आपणे चौक्कस पथनी आसपास फरता दड़ानुं एनिमेशन केवी रीते बनावी शकाय तेना विशे शीखीशुं। आ प्रकारनुं एनिमेशन बनाववा माटे आपणे सिन्फिंग प्रोग्राम शुरू करीशुं अने त्यारबाद आ एनिमेशन माटेना जरूरी ऑब्जेक्टनी रचना करीशुं। अहींया पथ बनाववा माटे हूँ सौथी पहला बीलाइन टूलनो उपयोग करीने एक पथ ड्रॉ करीश। पथ दोरवा माटे बीलाइन टूल पर क्लिक करो। त्यारबाद टूल ऑप्शन में क्रिएट आउटलाइन बीलाइन बटन पर क्लिक करो अने ए सिवायना जो विकल्पों सिलेक्ट करेला होय तो ए विकल्पों ने क्लिक करीने बंद करीशू। सौथी छेल्ले लिंक ओरिजिननी सामे टिक करो अने ऑटो एक्सपर्टनी सामे पण टिक करो। हवे कैनवास विंडो में पथ दोरवानी शुरुआत करिए। शुरुआत में क्लिक करो, त्यारबाद माउस ने खसेड़ो, तमने एक लाइन ड्रॉ थती देखाशे। त्यारबाद माउस नी क्लिक करी राखीने ड्रेग करता तमे जो तो तमने वळांकवाळी लाइन दोराती जोवा मळे छे। एज प्रमाणे बीजो पण वळांक आपीए अने आम आपणे जे प्रमाणेनो पथ दोरवो होय ए प्रमाणे वळांक आपતા આપણે પથ ડ્રો કરી શકીએ છીએ। છેલ્લે
आ बी लाइन ऑप्शन वाले पथ पूर्ण करवा माटे तमे जुओ तो अहींया तमने जे जुदा जुदा डक्स जोवा मळे छे आ डक्स माथी तमारे ब्राउन कलर ना डक पर राइट क्लिक करवानी अने त्यां तमे जुओ तो जे विकल्प जोवा मळे छे तेमाथी लूप बी लाइन पर क्लिक करो। आम करतानी साथे आपणे जोई शकीए छे के आपणो पथ एक गोळाकार स्वरूपे तैयार थई गयो छे। हवे ट्रांसफॉर्म टूल पर क्लिक करी बीलाइन टूलनी असर ने आपणे बंद करीशुं। तमे जोई शको छो के आपणे गोळाकार पथ ड्रॉ थयेलो आपणी स्क्रीन ऊपर जोवा मळे छे। हवे सर्कल टूलनो उपयोग करीने आपणे ज्यां बीलाइन टूल वडे पथ दोर्यो छे त्यां वच्चेनी तरफ क्लिक करीने एक सर्कल ड्रॉ करीशुं। तमे जोई शको छो तेम हवे आपणने लेयर पेनल में बे लेयर जोवा मळे छे, सर्कल लेयर अने न्यू बीलाइन लेयर। हवे आ सर्कल लेयर ऊपर रोटेशन नी असर आपवानी छे, एटला माटे आपणे सर्कल लेयर पर क्लिक करीशुं। एना ऊपर राइट क्लिक करिए, जोवा मळता विकल्पोमांथी न्यू लेयर कमांड पर क्लिक करीशुं, त्यारबाद ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करीशुं अने रोटेट कमांड पर क्लिक करीशुं। तमे जुओ तो हवे सर्कल लेयर नी बराबर ऊपरनी तरफ तमने रोटेट लेयर उमेरायेलू जोवा मळे छे। लेयर उमेराया बाद आपणे सर्कल ऊपर आ रोटेशननी असर आपवानी होवाथी सर्कल लेयर अने रोटेट लेयर ने एनकेप्सुलेट करवा पड़शे, एटले के भेगा करवा पड़शे। एनकेप्सुलेट करवा माटे आपणे बंने लेयर ने सिलेक्ट करीशुं अने त्यारबाद एनकेप्सुलेट करीशुं। तेना माटे तमे रोटेट लेयर पर क्लिक करो अने शिफ्ट की दबावीने सर्कल लेयर पर क्लिक करो, त्यारबाद राइट क्लिक करीने जोवा मळता मेनूमांथी एनकेप्सुलेट कमांड पर क्लिक करो। तमे जोई शको छो के हवे आपणने नवू एक लेयर उमेरायेलू देखाय छे इनलाइन कैनवास। एनी बाजूमां एक नानू त्रिकोण छे, एना ऊपर क्लिक करीशुं एटले एनी अंदरना बे लेयर आपणने जोवा मळे छे। हवे सर्कल लेयर अने रोटेट लेयर बंनेने सिलेक्ट करीने आपणा सर्कलने रोटेट लेयरमां बनेला डक्समां बराबर मध्यमां मूको। હવે સૌથી પહેલાં ઇનલાઇન કેનવાસ બટન પર ક્લિક કરો, અહીં તમને ગ્રીન ડક જોવા મળે છે। આ ગ્રીન ડક સિલેક્ટ કરવા માટે કીબોર્ડમાંથી કંટ્રોલ કી દબાવી રાખો અને ગ્રીન ડકને સિલેક્ટ કરો, ત્યારબાદ રોટેટ લેયર ઉપર ક્લિક કરો અને તમને બ્લુ રંગનું જે ડક જોવા મળે છે તેના ઉપર ક્લિક કરો, ત્યારબાદ ન્યૂ બીલાઇન આઉટલાઇન લેયર પર ક્લિક કરો અને આપણે જે જગ્યાએથી સર્કલને ફેરવવાની શરૂઆત કરવાની હોય ત્યાં માઉસ લઈ જઈને રાઇટ ક્લિક કરો, જોવા મળતા વિકલ્પોમાંથી લિંક ટુ બીલાઇન પર ક્લિક કરો। અહીંયા એક વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે સિલેક્શન કરતી વખતે કંટ્રોલ કી દબાવેલી જ રાખવાની છે, જો કંટ્રોલ કી દબાવેલી નહીં હોય તો તમારું સર્કલ એ નિર્ધારિત પથ ઉપર આવશે નહીં। તમે જોઈ શકો છો કે આપણું સર્કલ એ આપણા દોરેલા પથમાં એક્ઝેક્ટ લાઇન ઉપર આપણને જોવા મળે છે। હવે આપણે દોરેલા સર્કલને પથ ઉપર ફેરવવા માટે એનિમેટ મોડ શરૂ કરીશું। તે પહેલાં લેયર પેનલમાં ફક્ત ઇનલાઇન કેનવાસ બટન પર ક્લિક કરો, તમને ફક્ત એક જ ડક અહીંયા જોવા મળશે। હવે એનિમેટ એડિટિંગ મોડ શરૂ કરીએ। એનિમેશન એડિટિંગ મોડ શરૂ કર્યા પછી આપણા સર્કલને એનિમેશનની અસર આપવા માટે સર્કલને આપણે ઘડિયાળની ઊંધી દિશામાં ફેરવીશું। પહેલાં આપણે ગ્રીન ડકને સિલેક્ટ કરીને સેચ ખસેડીએ, અહીંયા એનું ઝીરો ફ્રેમ ઉપર સ્થાન સેટ થઈ જશે। હવે ટાઈમ બારમાં 1S ટાઈપ કરી એન્ટર આપો, ત્યારબાદ ગ્રીન ડક પર ક્લિક કરીને
एने आगळ लई जाओ। फरी 2S लखो, एंटर आपो अने आपणा सर्कल ने आगळनी तरफ लई जाओ। त्यारबाद 3S, एंटर अने सर्कल ने ऊपर लई जाओ। त्यारबाद 4S, एंटर की अने आपणा सर्कल ने आगळ लई जाओ। त्यारबाद छेल्ले आपणे आपणी कैनवास प्रॉपर्टी 5 सेकंडनी सेट करेली छे तो अहींया 5S लखी एंटर आपो अने ज्यांथी शुरुआत करी हती ए स्थान ऊपर आपणे सर्कल ने लावीशुं। हवे एनिमेट मोड ने ऑफ करिए, क्लिक करो। त्यारबाद आपणे सर्कल ने जे फेरव्यू छे ए आपणा पथ ऊपर फरे छे के नहीं ते चेक करवा माटे टाइम बार माथी प्ले बटन पर क्लिक करो। तमे जुओ तो आपणे जे पथ ड्रॉ कर्यो हतो ए पथ प्रमाणे आपणने सर्कल ड्रॉ फरतु जोवा मळे छे। आम आपणे जोयुं के आपणे सिन्फिंग प्रोग्राममां निर्धारित पथ बनावीने तेना ऊपर ऑब्जेक्टने फेरवी शकीए छीए। हवे तैयार थयेली फाइलने संग्रह करीने रेन्डरिंगनी असर आपीशुं जेथी करीने आपणे आपणी फाइलने वेब ब्राउजर ऊपर पण जोई शकीए। तेना माटे आपणे फाइलने सेव करीशुं, फाइलमां जईशुं, कैरेट बटन, फाइल एमा सेव। अहींया हूँ एक्जाम्पल 4 एवं नाम आपू छू अने डेस्कटॉप ऊपर एने संग्रह करूँ छू। हवे रेन्डरिंग नी असर आपवा माटे फाइल एमा रेन्डर कमांड पर क्लिक करो। अहींया आपणने फाइल नेम मां आपणे आपेल EX4 नामनी पाछळ .png एक्सटेन्शन जोवा मळे छे। त्यां png भूसीने GIF लखो अने टार्गेटमां ऑटोना स्थाने GIF सिलेक्ट करो। त्यારબાદ તમે રેન્ડર બટન પર ક્લિક કરો। તમે જુઓ તો રેન્ડરિંગ પ્રોસેસ પૂરી થયા પછી આપણને આપણા સ્ટેટસ બાર ઉપર ફાઇલ રેન્ડર સક્સેસફુલી મેસેજ જોવા મળશે। જ્યારે આપણને આ મેસેજ જોવા મળે ત્યારે આપણે આ ફાઇલને વેબ બ્રાઉઝર ઉપર જોઈ શકીએ તે પ્રમાણેની ફાઇલ તૈયાર થઈ ગઈ હશે। તમે જોઈ શકો છો કે આપણને સ્ટેટસ બાર પર ફાઇલ રેન્ડર્ડ સક્સેસફુલી એવો મેસેજ જોવા મળે છે। હવે આપણા સિન્ફિંગ પ્રોગ્રામને બંધ કરી દઈશું। અહીંયા ડેસ્કટોપ ઉપર આપણને આપણા સિન્ફિંગની ફાઇલ GIF સ્વરૂપે જોવા મળે છે। એના ઉપર રાઇટ ક્લિક કરીશું અને ઓપન પર ક્લિક કરીશું। તમે જુઓ તો આપણને આપણા વેબ બ્રાઉઝર ઉપર સર્કલ ફરતું હોય તે પ્રમાણેની અસર જોવા મળે છે। અસ્તું।